हेलो एवरीवन, आज वीडियो में हम ये पार्ट टू है नॉर्मल फॉर्म मेथड से हम रैंक फाइंड करने का। इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, उसके इस वाले वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। फिलहाल देखो रैंक कैसे निकालते हैं नॉर्मल मेथड से। इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे वो डायगोनल एलिमेंट को बनाते जाना है, उसके सामने वाले जीरो उसके नीचे वाले जीरो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वन है, ऑलरेडी वन दे रखा है, तो मुझे इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके सामने वाले जीरो बनाने हैं मुझे। कौन कौन? टू को जीरो बनाना, माइनस वन को जीरो बनाना, फोर को जीरो बनाना। जब मैं सामने वाले चेंज करता हूँ तो मैं लगाता हूँ कॉलम ऑपरेशन, जब उसके नीचे वाले जीरो बनाऊंगा तो लगाऊंगा मैं रो ऑपरेशन। ठीक है, पहले मैं कॉलम ऑपरेशन से टू माइनस वन फोर को जीरो बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन को टू जो है कॉलम नंबर टू में, मैं क्या करूंगा, कॉलम नंबर टू में से ट्वाइस माइनस कर दूंगा कॉलम नंबर वन का। आगे देखो, सी थ्री को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस वन को जीरो बनाना, तो मैं वन के साथ वन जीरो ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा, यानी सी वन प्लस सी थ्री। और सी फोर को चेंज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसका फोर टाइम्स ऐड कर दूंगा, फोर सी थ्री, फोर सी थ्री प्लस सी फोर। ठीक है, फोर सी थ्री प्लस सी फोर लगाते हैं इसको, तो मुझे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं। अब देखो यहाँ से, इसमें से इसका मैं ट्वाइस माइनस करना है, तो टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस फोर हो जाएगा, ये टू टू जाए फोर, थ्री माइनस फोर गया था माइनस एक, ये हो जाएगा टू, टू माइनस टू जीरो बन गया, ये माइनस टू, माइनस टू माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस माइनस का टू, ये कितना बन जाएगा, यानी जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो सी थ्री के लिए क्या करना, सी वन के साथ ऐड कर दो, तो वन वन में से बन गया तो जीरो, टू प्लस थ्री फाइव बन गया, वन प्लस थ्री बन गया फोर, माइनस वन प्लस सिक्स बन गया फाइव। सी फोर के लिए क्या करना, इसका फोर टाइम्स करो, उसके साथ ऐड कर दो सी थ्री का, माइनस फोर प्लस फोर हो गया जीरो, फोर थ्री जै ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर हो गया सिक्सटीन, फोर थ्री जै ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन ही आ गया, फोर सिक्स जै ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में से सेवन गए तो सेवनटीन। ठीक है, अब मुझे क्या करना, वन के सामने वाले जीरो बन गए, अब क्या करूंगा, वन के नीचे वाले जीरो बनाऊंगा, वन के नीचे वाले जीरो कौन है, यानी टू को जीरो बनाना है मुझे, वन को जीरो बनाना, माइनस वन को जीरो बनाना। ठीक है, मैं जब नीचे वाले बना लगाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, रो ऑपरेशन लगाता हूँ, तो पहले टू को मुझे जीरो बनाना, टू को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आर टू में वो आर टू माइनस टू आर वन कर दूंगा। आगे देखो, आर थ्री को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आर थ्री को जीरो करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, आर थ्री माइनस आर वन कर दूंगा, तो वन माइनस वन जीरो बन जाएगा। और आर फोर को मुझे जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं आर थ्री के साथ ऐड कर दूंगा, तो आर थ्री प्लस आर फोर, तो मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो पहले उसमें कोई चेंज नहीं, वन जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करना है, इसका ट्वाइस माइनस कर देना, टू माइनस टू जीरो, ऊपर सब जीरो है, माइनस वन दो से जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं आने वाला, तो ये माइनस वन रह जाएगा, ये फाइव, ये सिक्सटीन। आर थ्री के लिए क्या करना, आर थ्री माइनस आर वन, तो वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस ऊपर तो जीरो माइनस जीरो रह जाएगा, फाइव फोर माइनस जीरो फोर, सिक्सटीन माइनस जीरो सिक्सटीन। और आर 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 फोर के लिए करना, आर थ्री के साथ ऐड कर दो, वन माइनस वन जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, फोर प्लस फाइव नाइन, और सोलह प्लस सत्रह आ गया कितना, तैतीस। ठीक है, यहाँ तक बात पहुंची, अब क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या आऊंगा, वन के सामने वाले वन के नीचे वाले सब जीरो बन चुके हैं, अब मेरा टारगेट कौन है, इसके आगे वाला एलिमेंट, इसके आगे वाला एलिमेंट है मेरा कौन, माइनस वन, पहले तो माइनस वन है यहाँ पे, मुझे क्या बनाना है, इसको वन बनाना, तो माइनस वन को वन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो सी फोर है या आर टू है, सॉरी ये जो सी टू है या तो सी कॉलम नंबर टू या रो फोर में, रो नंबर टू में मैं क्या करूंगा, माइनस वन की का डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वन बन जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा ऑपरेशन है, सी टू को क्या कर देना, माइनस वन से डिवाइड, तो मेरा जो मैट्रिक्स है वो कितना मिल जाएगा मुझे, वन जीरो
जीरो जीरो डायनोवल पे वन बनाना पहले, फिर उसके वन बनते ही उसके सामने वाले जीरो बनाओ कॉलम ऑपरेशन लगा के, उसके नीचे वाले अगले स्टेप में रो ऑपरेशन लगा के सारे जीरो बना दो, तो जीरो ये हो जाएगा वन जीरो और यहाँ पे जीरो, ठीक है ये आ गया जीरो फाइव, बाकी का सेम रहेगा, जीरो सिक्सटीन सिक्सटीन 33। अब वन आ चुका है मेरा, ठीक है यहाँ पे वन आ चुका, वन अब वन अगर आ ही गया तो मैं क्या करूंगा उसके सामने वाले जीरो बना सकता हूँ मैं, फाइव को जीरो बनाओ सिक्सटीन को जीरो बनाओ, कॉलम ऑपरेशन लगेगा लगा डालो, तो सी थ्री में है फाइव, मैं क्या करूंगा सी थ्री में से फाइव सी टू माइनस कर दूंगा, आगे देखो इसका मैं क्या करूंगा सिक्सटीन टाइम्स माइनस कर दूंगा, सी फोर के लिए मैं क्या करूंगा सिक्सटीन टाइम सिक्सटीन सॉरी सॉरी सिक्सटीन मैं क्या करूंगा सी फोर में से सिक्सटीन टाइम्स ऑफ किसका माइनस कर दूंगा सी टू का, ठीक है ऑपरेशन लगाते हैं, तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलने वाली है वो क्या आ जाएगी, ये तो सेम रहे पहले वाले और दूसरे वाला भी जीरो वन जीरो जीरो। अब देखो मुझे क्या करना सी थ्री के लिए सी टू में पाँच का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना, तो जीरो 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 ही रहा ये हो गया जीरो, फाइव माइनस फाइव तो इधर सामने जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेम ही आ जाएगा। अब देखो इसको ये तो जीरो जीरो इसमें सिक्सटीन टाइम माइनस करना, तो जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया सिक्सटीन और ये माइनस सिक्सटीन हो जाएगा जीरो, सोलह सामने जीरो तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है उसमें कोई चेंज नहीं होता, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर कौन सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वन के सामने और नीचे वाले जीरो बन चुके हैं, अगला टारगेट मेरा कौन वन के आगे डायनोवल पे कौन आ रहा है फोर, फोर को पहले वन बनाना पड़ेगा, ठीक है फोर को वन बनाते हैं किसी भी तरीके से, मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ ठीक है, सारा का सारा इसका कोई यूज नहीं, यहाँ पे देखो अब क्या मिल जाएगा मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ ध्यान से अगर देखो तो रो फोर को फोर से डिवाइड कर सकता हूँ, देखो इससे आसान ये होगा कि ये सिक्सटीन भी फोर से डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं कॉलम नंबर थ्री को फोर से डिवाइड करता हूँ तो ये नाइन बाई फोर आ जाएगा यानी फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन से बचने की कोशिश क्या करो, तो मैं क्या करूंगा मैं रो नंबर फोर को फोर से डिवाइड कर दूंगा वहां पे वन आ जाएगा, जब तक वन नहीं आ जाना तब तक उसमें कोई ऑपरेशन अलग से कुछ नहीं करना है, सॉरी ये रो नंबर थ्री है रो नंबर थ्री में है वो, रो नंबर थ्री को मैं क्या करा चार से डिवाइड कर दिया, तो मेरा मैट्रिक्स कितना आ गया यहाँ पे वन जीरो 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 वन जीरो जीरो, अब जीरो हो जाएगा ये जीरो ये वन, ये सिक्सटीन को फोर से किया फोर आ गया, और यहाँ पे ये जीरो जीरो नाइन 33, ठीक है अब वन आ चुका है मेरा, वन के सामने वाला जीरो बनाओ पहले कौन फोर्टीन को जीरो बनाना पड़ेगा मुझे, फोर्टीन को जीरो बनाता हूँ सॉरी फोर को जीरो बनाता हूँ, फोर को मैं जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है सामने वाले के लिए कॉलम लगाते हैं तो वो कॉलम नंबर फोर में है, कॉलम नंबर फोर माइनस चार टाइम्स माइनस कर दूंगा कॉलम नंबर थ्री का जीरो बन जाएगा, मेरी मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन नाइन, अब फोर टाइम्स माइनस कर सबट्रैक्ट कर देना, तो ये तो जीरो ही है, जब दोनों जीरो हो तो कोई चेंज नहीं होने वाला, फोर माइनस फोर हो जाएगा ये जीरो और ये 33 माइनस ये नाइन की फोर में करूंगा तो हो जाएगा 36, तो 33 माइनस 36 माइनस का थ्री, कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है, ठीक है अगला टारगेट मुझे नाइन को जीरो बनाना क्योंकि वन के सामने वाला जीरो बन गया, अब मुझे क्या करना है नाइन को जीरो बनाना, तो मैं क्या करूंगा आर फोर में से नाइन टाइम्स ऑफ आर थ्री माइनस कर दूंगा, ठीक है नाइन टाइम्स उसका माइनस कर दूंगा जीरो बन जाएगा, तो लगाते हैं ऑपरेशन बस यही तो करना है, यहाँ पे ये कितना आ गया, अब ऑपरेशन क्या लगाना है मुझे आर फोर को चेंज करना, कितने से है कितने से है आर फोर में से नाइन टाइम्स माइनस कर दूंगा आर थ्री का, तेरे मेरी मैट्रिक्स जो आ गई वो कितनी आ गई वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो, अब नाइन टाइम्स माइनस करना है मुझे, तो ये जब जीरो है दोनों ही तो कोई फर्क नहीं आने वाला, नाइन में से नाइन गया तो ये ऊपर वाला नाइन हो जाएगा नाइन से मल्टीप्लाई करते हो तो नाइन में से नाइन गया जीरो, और माइनस थ्री ऊपर तो जीरो ही है तो ये माइनस थ्री रहने वाला है, ठीक है बात यहाँ तक आ गई,
अब देखो अगला एलिमेंट क्या होना चाहिए, अगले एलिमेंट की तरफ पढ़ो। ये आ गया, यहाँ पे बचा -3, ठीक है। अब ये -3 बचा है तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 बनाने की कोशिश, इसके सामने 1 बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर ध्यान से देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कॉलम नंबर 4 को या रो नंबर 3 को क्या करूंगा, -3 से डिवाइड कर दूंगा। तो -3 से डिवाइड कर दो तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम नंबर 4 या रो नंबर 4 जो भी कहो, चलो रो नंबर 4 को मैं क्या कर दे रहा हूँ, रो नंबर 4 को -3 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो मेरी मैट्रिक्स जो आ गई वो कितनी आ गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 से डिवाइड किया तो ये 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो चुकी है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुकी है, हरे पूरे डायगोनल पे क्या 1 1 आ चुका है और बाकी के सब 0 होने चाहिए, ठीक है, सब जगह 1 आ चुका है। और यहाँ पे खासियत ये हुई कि एक भी रो ऐसी नहीं है जो सारी की सारी 0 बन गई हो, ठीक है, तो सारी की सारी नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पे जो रैंक आ गई वो कितनी आ गई, रैंक कितनी आ गई, इसमें भी कोई सारी की सारी 0 नहीं है, इसमें भी, इसमें, इसमें भी, तो सारी की सारी नॉन जीरो रो है, तो रैंक इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर है। नलिटी कितनी आ गई, नलिटी, नलिटी मतलब ऐसी कितनी रो है जो, ऐसी कितनी रो है जो टोटल 0 बन गई है, तो ऐसी एक भी नहीं है, तो नलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, यही आंसर है।